वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लगातार ही देशों विदेशों तो बहुत सारे सुहिरद सिख सिद्धांत, सिख फलसफे और खास तौर पर सिख राजनीति दे विच डूंगी दिलचस्पी रखने वाले और समझ रखने वाले सिखां दे फोन ईमेल्स आ रही ने। और श्रोमणी अकाली दल की स्थिति नू लैके सारे जिहड़े सिख ने बड़े चिंतित ने। खुशी वाली गल है कि वो सिख भी चिंतित ने जिहड़े श्रोमणी अकाली दल की मौजूदा लीडरशिप के नाल कोई इतफाक नहीं रखते। एक चंगी गल है क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का खत्म होना यह सिखां लई बड़ा घातक है, इसलिए सिख चिंतित नजर आ रहे। और मैं दिल्ली नूं भी कहना चाहना है कि श्रोमणी अकाली दल का खत्म होना देश लई भी घातक है, देश लई भी सही नहीं है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल एक अजिही पार्टी है जिसने हिंदुस्तान नूं, भारत नूं आजाद कराउण दे विच अपना बनदा जिहड़ा है वह रोल अदा किया है, बनदा योगदान जिहड़ा है वह पाया। अज जरूरत है इस गल की कि जिन्हें भी श्रोमणी अकाली दल के धड़े ने सारे जड़े ने अपनी अपनी ईगो न त्याग के श्री अकाल तख्त साहब गुरु हरगोबिंद साहब ने सू एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिता है जिथे असी अपनी गल रख सकते, उत्थे सू बैठ के इकट्ठे होकर तुरन की बहुत वही जरूरत है। श्रोमणी अकाली दल का जन्म केवल राज सत्ता प्राप्त करने ही नहीं होया, बल्कि श्रोमणी अकाली दल का जन्म खालसे दे बोल बाले, खालसे दी चढ़ती कला लई होया। श्रोमणी अकाली दल एक सियासी पार्टी नहीं है, श्रोमणी अकाली दल एक सोच है। अगर वो सोच बरकरार है तो श्रोमणी अकाली दल बरकरार है, श्रोमणी अकाली दल खड़ा है। इसलिए उस सोच नू मुड़ उभारन की जिहड़े बहुत वड्डी जरूरत है। श्री अकाल तख्त साहब तो श्रोमणी अकाली दल जिन्ना अपने उद्देशों की टीचियां की पूर्ति लिए पैदा होया से, उन्हां उद्देशों ते टीचियां की पूर्ति वास्ते इसनों मुड़ जिहड़ा है वह यतन आरंभ करना चाहिए। एक मैं गल खास तौर पर होर कहनी चाहना कि अज सिख समाज के जात पात वितकरेबाजियां, नफरतबाजियां और वड्डी गल कि सिखां दे विच बदतमीजी जिहड़ी है वह बहुत ज़्यादा जिहड़ी है एक वड्डा विकार के रूप दे विच पैदा हो गई। इसनों दूर करन दे लई भी श्रोमणी अकाली दल नूं यतनशील होना चाहिए। और भारत की राजनीति दे विच नहीं, मैं केवल पंजाब की राजनीति की गल करांगा कि पंजाब की राजनीति दे विच बहुत निगार आ चुके हैं, बोलबाणी शब्दावली नेतावां दी बहुत ही नीवें दर्जे की हो चुकी है। तो श्रोमणी अकाली दल नूं इस पासे भी बहुत वड्डा जिहड़ा है वह हमला मारन की जरूरत है। वह अपने पुराने स्वरूप दे विच श्रोमणी अकाली दल नूं अज आउण दी बहुत वड्डी जिहड़ी है वह लोड़ है, वड्डी जरूरत है। मैं सारियां गल्लां इस करके कह रहा क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का जन्म 14 दसंबर 1920 नूं श्री अकाल तख्त साहब की फसील तो श्री अकाल तख्त साहब के आदेशों से होया और श्री अकाल तख्त साहब सिख भावनावां की तर्जमानी करता और सिख भावनावां अज वो ये कह रही ने कि अकाली दल मजबूत हो, अकाली दल ताकतवर हो। सानू मौजूदा जिहड़ी साडी लीडरशिप है उसनू वख वख धड़ियां दे विच वंडे हुए जिहड़े श्रोमणी अकाली दल दे लीडर ने उन्हां अपनी ईगो त्याग के अपनी होमे त्याग के वह गुण जिहड़े गुरबाणी ने दसे ने सबर संजम संतोख और सब तो वड्डा त्याग इन्हां गुणां नूं धारण करन दी सब तो वड्डी जरूरत है। मैं वाहिगुरु अग्गे अरदास करदा कि उह समूह सिखां नूं ताकत बख्शन, हिम्मत बख्शन, ताकि सिख जिहड़े ने एकजुट होकर श्री अकाल तख्त साहब की अगवाई दे विच तुरन ते अपने टीचियां दी पूर्ति वल जिहड़ा है वह वधन ते अपने टीचियां दे विच अपने उद्देशां दे विच कामयाब होण। ये मेरी अकाल पुरख वाहिगुरु अग्गे अरदास है। मैं एक बार फिर अपील करदा सारे श्रोमणी अकाली दल के जिन्हें भी धड़े ने उन्होंने
कि श्री अकाल तख्त साहब ते आओ बैठो, श्री अकाल तख्त साहब तुहाडा है, श्री अकाल तख्त साहब वल मुख करो, श्री अकाल तख्त साहब ताकि ताकत बनेगा और तुसी ताकतवर होवोगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।